मैं पंकज कुमार झा मुजफ्फरपुर जिले के बिहार से हूँ। मैं एक दिव्यांग भी हूँ। विगत 7 वर्ष पहले नक्सलाइट हमला में बम से मेरा हाथ उड़ गया था। मैं दर दर का ठोकर खा रहा था कि मैं अब विकलांग हो गया, अब मुझे कौन खाना खिलाएगा, मुझे कौन कपड़ा पहनाएगा, मैं इसके लिए मैं व्याकुल हो रहा था। लेकिन कहते थे कि हे भगवान अब मेरा क्या होगा, लेकिन भगवान ने मुझे आप जैसे मुझे भगवान मिला दिया। मैं पेपर में पढ़ा ना तो लिखा हुआ था प्रधानमंत्री जन औषधि खोले, मैंने खोला। जब खोले ना मोदी जी तो मेरा दुकान मेरा काम चलता था, लेकिन लोग आते थे, मैं विश्वास दिलाता था, लेकिन धीरे धीरे आकर कहते कि मोदी जी का दुकान है। हम कि जी मोदी जी का दुकान है। अच्छा दवाई है क्या? जो दवाई होता था ना देते थे, जो नहीं होता था ना तो मैं ऑर्डर लिख लिया करता था और बोलते थे कि माता जी चाचा जी 1 सप्ताह में दे देंगे। मैंने पॉज से ऑर्डर किया, तुरंत आता था, दवाई भी सबको मिलता था। सब यही कहते थे कि मोदी जी का दुकान है, मोदी जी का दुकान है। पंकज जी मैं पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, इतना बड़ा नक्सली हमला हुआ, आपका एक हाथ चला गया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आप अपने हौसले को लेकर के आपने अपने जीवन को लोगों की सेवा में लगा दिया। तो पंकज जी आप सचमुच में अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आपका जैसे लोगों का जीवन जब एक तरफ कोई बम फेंक करके आपको आपकी हत्या के पर तुला हुआ है, आपको दिव्यांग बना देता है, आपका हाथ चला जाता है, आप प्रतिशोध के बजाय सेवा के अंदर अपनी शक्ति खपा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रेरक उदाहरण है। और इसलिए पंकज जी सबसे पहले तो आज मैं आपको नमन करता हूं और आप सही मायने में जन औषधि की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये योजना, अब बैठिए पंकज जी, ये योजना सस्ती दवाओं के साथ साथ आज दिव्यांग जनों सहित अनेक युवा साथियों के लिए आत्मविश्वास का एक बहुत बड़ा साधन बनी है। जन औषधि केंद्रों के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी टेस्टिंग लैब, ऐसे अनेक दूसरे साधनों का भी एक पूरा नया नेटवर्क तैयार हो रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, जिसमें हजारों युवा साथियों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। जहां तक दिव्यांग जनों का सवाल है तो मेरा हमेशा से मानना है कि उनके सामर्थ्य का और बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 21वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था में दिव्यांग जनों के कौशल को, उनकी प्रोडक्टिविटी को राष्ट्र के विकास में अधिक से अधिक हिस्सेदार होना जरूरी है। यही कारण है कि बीते 5 वर्षों से दिव्यांग जनों की सुविधा और उनके कौशल विकास को लेकर व्यापक ध्यान दिया जा रहा है। दिव्यांगों को शिक्षा, रोजगार और उसके अधिकार उसको देने के लिए जरूरी कानून भी बदलाव किए हैं। निश्चित रूप से जन औषधि जैसी हमारी योजनाओं में भी दिव्यांगों की अधिक से अधिक भागीदारी हम सभी को सुनिश्चित करनी है।